नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्रिएट शेप बाय सिलेक्शन, कि विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन आप एक शेप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है। सबसे पहले तो ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पे अलग से वीडियो बनाई है। तो अगर मान लो मैंने ये वाला एक लिया बॉक्स और बॉक्स को मैंने राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पॉली किया, और मान लो मैं किसी भी एज को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसको एक्सट्रूड किया, ये वाली शेप आई। मान लो मैंने इस पॉलीगन को यहाँ, अरे एज को सिलेक्ट किया और एक्स को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे एक्सट्रूड किया, और इसकी प्रॉपर्टी को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको एक्सट्रूड किया, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, इसको भी आपने एक्सट्रूड किया। ओके ठीक है, और आपने क्या किया, इस वाले को सेलेक्ट करके आपने इसको कर दिया एक्सट्रूड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया, इस वाली एज को सेलेक्ट किया और लूप कर दिया। लूप करने से क्या हुआ, देखो ये कंप्लीट एज आपकी सेलेक्ट होगी। मान लो मैंने अंडू किया, सिर्फ इतने को मैं यूज करता हूँ लूप, और ये कंप्लीट एज आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि जिस टाइप की एज है इस टाइप की एक शेप बन जाए। तो उस टाइप की शेप बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है एडिट एज में ही, क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन। ये आपका बॉर्डर में भी मिलेगा और राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्रिएट शेप। आप क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप अपने कर्व का कोई भी नेम दे सकते हैं, आपकी शेप को कोई भी नाम दे सकते हो। मान लो मैंने किया S1, ठीक है, और आप इसे शेप टाइप दे सकते हो, स्मूथ करना है या लीनियर। अगर आप लीनियर करोगे तो एज इट इज वर्टेक्स आपके नजर आएंगे, अगर आप स्मूथ करोगे तो वो हर वर्टेक्स को स्मूथ कर देगा। अगर मैंने लीनियर किया, ओके किया, देखो ओके करने के बाद क्या हुआ, इस टाइप की एज आपकी बन गई। अब आप इस एज को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके और ऊपर ऐसे मूव भी कर सकते हो। ये देखो इस टाइप की आपकी शेप बन गई, और इस शेप को देखो एडिट स्प्लाइन है, और उसकी हेल्प से आप कैसे भी एडिट कर सकते हो, ऐसी शेप को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे अंडू किया, अंडू नहीं, मैंने यहाँ पे रीडू किया। मैं एक बार और इसे सिलेक्ट करता हूँ, एजेस पे क्लिक किया, दोबारा से क्रिएट शेप किया। देखो अभी तो आपकी एज बनी है ऐसी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करता हूँ, इसको यहाँ पे नीचे लेके आता हूँ, एक शेप बनी मेरी ऐसी। इसको मैंने क्लिक किया एडिट, और यहाँ पे क्रिएट सिलेक्शन, और इसको स्मूथ कर देता हूँ। इसको मैंने किया S2। ओके, तो अब इसने जो शेप बनाई है यहाँ पे, अगर मैं इसको मूव करूँ तो देखो उसने क्या किया, हर एक वर्टेक्स को यहाँ पे स्मूथ कर दिया। यहाँ पे इसने हर वर्टेक्स को लीनियर रखा, इसने यहाँ पे हर वर्टेक्स को स्मूथ कर दिया। क्लियर है, ऐसे आप यूज कर सकते हो। इसकी जरूरत पड़ती कहाँ पे है, एक तो ऐसे शेप क्रिएट करने के लिए, दूसरा मान लो आप पिल्लो डिजाइन कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग डालनी है, तो आपने यहाँ पे स्मूथ किया, लीनियर किया, ओके किया, और अब ये इसकी शेप बन चुकी है। अब आप इस शेप को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके और इसको यहाँ पे अनेबल रेंडर, अनेबल व्यू पॉइंट ऑन करके इस टाइप का प्रोफाइल भी दे सकते हो कि मुझे यहाँ पे एजिस पे कुछ ऐसा चाहिए। मान लो इस एज पे मेरे को ऐसा चाहिए, तो आप यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करके, मान लो आपने लूप किया, इस एज को सिलेक्ट करके मान लो आपने लूप किया, क्रिएट सिलेक्शन किया, लीनियर किया, और इन दोनों को देखो आप कुछ इस तरीके से, अगर आप चाहते हो अपनी शेप को, तो आप इस तरीके से अपनी शेप को यूज कर सकते हो। क्लियर है, मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया, हल्का सा मैंने सिलेंडर को ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद मैं इसके थोड़ा सा सेगमेंट को इंक्रीज किया, साइड सेगमेंट को। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू पॉली, और कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको लूप कर दिया, और लूप करने के बाद मैंने इसको रिंग कर दिया, तो ये सारे सिलेक्ट हो गए आपके। इसको सिलेक्ट होने के बाद मैंने कर दिया क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन एंड कर दिया ओके। तो ये देखो ये सारे के सारे सिलेक्शन कुछ ऐसे आ गए। अंदर वाले ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, तो इस टाइप की आपकी कोई शेप बन जाएगी। तो मतलब आपको इस टाइप की शेप बनानी है, आपको लग रहा है कि ऐसी शेप में नहीं बना पाऊंगा, तो आप सिलेंडर की हेल्प से भी इस टाइप की शेप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर दोस्तों,
तो ऐसे करके आप इन सब चीजों को यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मान लो मैं इससे और भी पर्टिकुलर शेप बना सकता हूँ, मैं इसको मिरर कर सकता हूँ, और मिरर यहाँ पे मैंने इसको ये किया, मिरर किया मैंने यहाँ पे और इसको कॉपी कर दिया। देखो इस टाइप की शेप भी अब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ये देखो कितनी इजीली इस टाइप की शेप आप क्रिएट कर पाए यहाँ पे। तो ऐसे करके आप क्रिएट शेप का यूज कर सकते हो। पिल्लो है, उसके चारों तरफ आपको कवर लगाना है, और जैसे यहाँ पे होता है थ्रेडिंग आपको जैसे होती है ऐसे करनी है, तो वो सब चीजें आप क्रिएट शेप की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये था क्रिएट शेप। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.